हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाले हैं। इन टिप्स का यूज करके आप अपना समय तो बचाएंगे और आपके पैसों की भी बचत होगी। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की टिप्स। तो मेरी पहली टिप ये फ्रेंड, जैसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं या कुछ भी कोफ्ते वगैरह बनाते हैं, तो इसमें हमारा काफ़ी ऑयल लग जाता है। तो कई बार ये ऑयल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, जो यूज नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको एक खास टिप बताती हूँ, जिससे आप इसको दोबारा भी यूज कर लें। तो देखिए, जैसे इसमें ये ब्लैक ब्लैक से सारे जो हम बैटर बनाते हैं उसका, ये बैटर का सारा ऑयल में आ जाता है। और अगर हम किसी दूसरी चीज़ में इसको यूज करें तो ये सारा बैटर उस पर चिपक जाता है। तो इस तरह आप देखिए, इसको ठंडा होने के बाद आप इस तरह से छलनी से छान लीजिए, और छान लेने के बाद आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो देखिए, जो इसमें ये ब्लैक ब्लैक सा था, ये सारा निकल गया है छलनी से छानने के बाद। अब इसमें देखिए, बिल्कुल साफ हो गया हमारा। इसे आप यूज कर सकते हैं। टिप अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये प्याज को लेकर है। तो फ्रेंड, प्याज हम लाते हैं, कई बार हम प्याज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, जिससे हमारे ये देखिए इस तरह से उगने लग जाते हैं। तो ये हमारे ख़राब हो जाते हैं कई बार प्याज, और यूज नहीं कर पाते हम इनको। तो आप इस तरह से एक पॉलीथीन ले लीजिए, पॉलीथीन जितने आपकी क्वांटिटी में प्याज हो उसी अकॉर्डिंग आप पॉलीथीन ले लीजिए। तो मेरे तो मैं थोड़े से ही करके दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से आप एक पॉलीथीन में इनको डाल लीजिए, और डालकर आप इसमें, तो देखिए मैं बताती हूँ कैसे आपको इसको सही रखना है। तो उसमें आप ये आधा चम्मच के करीब नमक डाल दीजिए। नमक डालकर आप इसमें नमक को अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपके ये प्याज कितने टाइम तक रखे रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। तो इस वाली टिप को ज़रूर यूज करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये टिप। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी ये प्याज को लेकर ही है फ्रेंड। तो देखिए, कोई सब्ज़ी वगैरह हम बनाते हैं, सलाद के रूप में प्याज काटते हैं, तो हमें इसके लिए काटने में बड़ा झंझट सा लगता है, लेकिन खाने का टेस्ट हमारा प्याज से बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके लिए मैं आपको खास टिप बताती हूँ, जिसको आपको इसको काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको बच्चे भी आराम से काट लेंगे, किसी को भी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, पानी नहीं आएगा। तो देखिए, इस तरह से आप एक बाउल ले लीजिए। बाउल में आप ये प्याज को अच्छी तरह से डिप कर दीजिए। 5 मिनट के लिए आप इसको डिप करके रख दीजिए। तो जिससे ये प्याज का तीखापन है, जिससे हम इसको छीलते हैं हमारी आँखों में पानी आ जाता है, वो इससे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 5 मिनट इसको आप डिप करने के बाद इसको आप छील लीजिए। तो जैसे जो हलवाई वगैरह भी बनाते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह में जैसे वो काफ़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, वो इसी तरह से प्याज को पहले डिप करके रख देते हैं पानी में, उसके बाद इसको यूज करते हैं। तो उसको बिल्कुल भी इससे आँखों में पानी नहीं आता, और बिल्कुल आसानी से हम प्याज को छील सकते हैं। आपके बच्चे अगर प्याज नहीं छीलते हैं तो आप इसको बताएंगे, तो वो भी इस वाली ट्रिक को यूज करके बहुत आसानी से छील लेंगे। तो आपको जैसे प्याज की ज़रूरत हो, आप पहले इनको पानी में भिगो दें, इतना और काम कर लें, उसके बाद आप इसको छील लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से छील कर हम इनको पहले पानी में अच्छी तरह से सारों को रख देंगे। इनको पानी में हमें 5 मिनट के लिए और रख देंगे, उसके बाद आप इसको आराम से आसानी से काट सकते हैं, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप भी इस वाली यूजफुल टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड, कई आप में से बहुतों को इस वाली टिप का पता भी होगा, भाई कई पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो उसके लिए बहुत यूजफुल टिप होने वाली है। तो आप भी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर मेरी टिप अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी फ्रेंड चूड़ियों को लेकर है। तो जैसे हम कहीं मैरिज वगैरह में जाते हैं या कहीं भी ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो चूड़ियों को लेके जाना थोड़ा झंझट सा लग जाता है, क्योंकि अगर इस तरह के बॉक्स में हम रखते हैं तो उससे ये टूट भी जाती है, और जितनी महंगी महंगी हमारी जाती है ये चूड़िया का सेट वगैरह। तो उसके लिए मैं आपको खास टिप बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह का रबर बैंड फ्रेंड सबके घर में होता ही है। तो आप एक ऐसा रबर बैंड ले लीजिए, और इसमें देखिए ऐसे चूड़ियों को आप रख लीजिए। तो देखिए, इस तरह आप इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से इनको सेट कर लीजिए। देखिए, इसमें सारी चूड़ियाँ हमारी आसानी से आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें सारी चूड़ियों को सेट कर लीजिए। इसमें एक दर्जन के करीब चूड़ियाँ आ जाती हैं। तो आप देखिए, कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह में जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी अब चूड़ियों लेकर जाने का झंझट नहीं लगेगा, और बहुत आसानी से आप इनको ले जाएंगे। तो देखिए, आप इनको बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे सेट कर लीजिए, जिससे ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो मैंने देखिए इसमें रबर बैंड में अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया है। तो रबर बैंड का हमारा दो तरह से यूज हो जाएगा।
तो इस तरह से आप इसको सेट करके आप अपने बैग में रखिए या किसी भी कहीं भी रखिए, बैग में अटैची में कहीं भी रखिए, अभी आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बिल्कुल सेफली आपको जहाँ भी जाना होगा वहाँ इसको लेके जा सकते हैं। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये कुकर के जो हमारा ये रबड़ होता है उसको लेकर है। तो फ्रेंड कई बार अक्सर ये लूज हो जाता है और हमें पता नहीं चलता, तो हम जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो हम इसको बंद करते हैं, तो देखिए बंद करते हैं तो थोड़ा सा ये हल्का सा लूज होता है, तो हम इसे बंद कर ही देते हैं कि जिससे सोचते हैं कि ये आसानी से हमारी सब्जी बनी जाएगी, लेकिन इसके बाद हमें बड़ी दिक्कत सी आती है। तो उसके लिए मैं आपको खास टिप बताऊँगी आप कैसे किस तरह से इसी रबड़ को आप यूज करके सब्जी को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको बंद कर लेते हैं उसके बाद या तो इसमें अगर हमारी तरी वाली सब्जी हो तो इसमें पानी निकलने लग जाता है, तो मेरी ये सूखी सब्जी थी इसमें पानी तो नहीं निकला, लेकिन पानी था ही नहीं, निकलेगा कैसे, तो इसमें ये साइड से स्टेम निकलने लग गई, तो जिससे हमारी ये सब्जी सूखी सब्जी नीचे से लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा हमें। तो मैं आपको खास टिप बताती हूँ, देखिए आप इसको रबड़ को ढक्कन से उतार लीजिए और ढक्कन को आप साइड पर रख दीजिए, कुकर पर मत ढकिए और गैस को आप लो ही रखिए, लो गैस पर इसको चलने दीजिए और 5 मिनट के लिए आप इसको कुकर के रबड़ को इसमें जो ये फ्रिज में बर्फ़ वाला होता है जो बॉक्स फ्रीजर उसमें रख दीजिए और 5 मिनट बाद आपका ये रबड़ थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको रबड़ को निकाल लिया है, अब मैं इसको दोबारा से कुकर के ढक्कन पर देखिए लगा दूँगी। तो गैस को आप चलती ही रहने दें, कम गैस करके रखें और देखिए अब इसको ये बिल्कुल टाइट हो गया है और अब आप इसे दोबारा से ढक्कन को बंद कर दीजिए, गैस को तेज कर दीजिए और हमारा ये प्रेशर इसमें बन जाएगा, किसी भी तरह की हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जैसे इमरजेंसी हो तो आपको भी मार्केट जाने का टाइम नहीं हो और सब्जी बनानी हो तो आप इमरजेंसी में इस वाली टिप को ज़रूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि रबड़ तो ऐसे होते हैं कि ख़राब हो ही जाते हैं, तो आप इस वाली टिप को भी ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आज की वीडियो में से आपको कोई टिप्स अच्छी लगी या नहीं ये भी ज़रूर बताएं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगती है आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हैव ए नाइस डे फ्रेंड, बाय बाय।